देवास में जन सुनवाई में मंगलवार को एक महिला अपने पति के साथ पहुंची और जमकर कलेक्टर कक्ष में हंगामा करते हुए चिल्लाने लगी। महिला का आरोप है कि 5 वर्ष पहले डिलीवरी के दौरान जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिसके कारण उसके कमर के नीचे का हिस्सा सुन्न हो गया और वह चल नहीं सकती है, जिसके कारण उसे काफी परेशान होना पड़ता है। नाराज महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए अधिकारियों ने कहा, लेकिन वह उनकी कोई बात नहीं सुन रही थी। उसके बाद कोतवाली थाने से महिला पुलिसकर्मी की टीम कलेक्टर कार्यालय जनसुनवाई में पहुंची और महिला को उठाकर एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। महिला ने नाराजगी जताते हुए कहा कि उसका पहले भी जिला चिकित्सालय में उपचार किया गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद वहां पर कोई ध्यान नहीं देता है, जिसके बाद वहां से भेज दिया जाता है। महिला ने आरोप लगाते हुए बताया कि 5 वर्ष पूर्व मेरा ऑपरेशन जिला चिकित्सालय में हुआ था। उस दौरान सुन्न करने के लिए डॉक्टर एम के जोशी और साधना वर्मा ने कमर में इंजेक्शन लगाया था। उसके बाद से ही ना तो मैं चल पा रही हूँ और ना ही खुद बैठ पाती हूँ। तब से बहुत परेशान हूँ। पहले भी उपचार के लिए MY अस्पताल इंदौर भेजा था, लेकिन वहाँ से मुझे वापस भेज दिया। मुझे मेरे पाँव पर खड़ा होना है, मेरा उपचार होना चाहिए। मंगलवार को जनसुनवाई में आई तो मुझे बाहर कर दिया गया कि जिला चिकित्सालय के पास आयुर्वेदिक में पहुँचा दे। मामले में CMHO डॉक्टर MP शर्मा ने बताया कि एक महिला जनसुनवाई में अपनी स्वास्थ्य के बारे में शिकायत लेकर आई। आज से 4 से 5 वर्ष पहले डिलीवरी का केस हुआ था, उस समय पेराफेरिया हो गया था, जो एक न्यूरोलॉजिकल डिसीज होती है। इसके लिए यहां के डॉक्टर ने जब देखा तो उसे उस दौरान MY अस्पताल न्यूरोसर्जन के पास भेजा गया। वहाँ इसका उपचार किया गया और दवाई भी दी गई। उक्त बीमारी का रिकवर काफ़ी धीरे धीरे होता है, लंबे समय तक ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। इस तरह से आज महिला आई थी हमारे द्वारा। अभी उसे MG अस्पताल में भर्ती कराया गया है और यह कहा गया है कि आपके लिए हम एक फिजियोथेरेपिस्ट को रखते हैं जो फिजियोथेरेपी करेगा, निःशुल्क उपचार होगा। इस महिला के मामले में कलेक्टर साहब के निर्देश पर पहले भी एक कमेटी बनाई गई थी। मामले में विधिवत जाँच हुई है, इसमें डॉक्टर की कोई कमी नहीं पाई गई है, ना ही इसमें कोई दोषी पाया गया है। मामला इस प्रकार है कि कुछ वर्ष पहले महिला के इलाज के दौरान उसका लोअर हाफ में पैरालिसिस हो गया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी आक्रोशित भी है। जब वो डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने ये बताया कि उसका एक आयुर्वेदिक इलाज और साथ में लगातार फिजियोथेरेपी करवाई जाए। इसके संबंध में पूर्व में भी 3 से 4 बार उनकी आर्थिक सहायता भी की गई है। आज यह निर्देशित किया गया है कि जो हमारा ज़िला स्तरीय फिजियोथेरेपिस्ट है वो उनका रेगुलरली फिजियोथेरेपी करे। इसके लिए जो हमारे DDSJ हैं सपना मैडम, उनको भी निर्देशित किया गया है कि वो लगातार इसका फॉलोअप लें कि उनका इलाज टाइम पे हो जाए। महिला काफ़ी नाराज़ थी सर, उसका कहना था कि सरकारी अस्पताल में कोई सुध नहीं लेता, कोई इलाज नहीं होता है। आज फिर दोबारा उसे भेजा गया, तो किसी अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है क्या? जैसा कि मैंने बताया कि आज के इलाज के लिए जो हमारे तहसीलदार हैं हल्दर साहब, उनको बताया गया है, लेकिन इसके अलावा जो रेगुलर उनकी फिजियोथेरेपी हो सके उसके लिए सपना खड़पे मैडम DDSJ हमारी, वो इसका रेगुलर फॉलोअप लेंगी। श्रमिक ने सबसे परेशान हो क्या? 5 साल हो गए हमारे परेशान हो। क्या क्या हुआ, क्या था, क्या हुआ था आपके साथ? डिलीवरी में इंजेक्शन गलत लगाई थी हमारे। कहाँ पे लगाया था? कितने इंजेक्शन लगाए? कहाँ पे लगे थे इंजेक्शन? 4-5 बार लगाया उन्होंने इंजेक्शन। नाम क्या है आपका? सुन्न करने के इंजेक्शन। कहाँ पे लगे थे इंजेक्शन? पीछे MG अस्पताल में। वो डॉक्टर ने लगाया? डॉक्टर MK जोशी और डॉक्टर साधना वर्मा। कितने समय पहले की बात है? 5 साल हो गए परेशान होते होते। कब से आप ऑफिसों के चक्कर लगा रहे हैं? 5 साल से। क्या कहते हैं अधिकारी? बस ऐसे करी करी टाल दे के बस हम वहाँ इलाज करे था, वहाँ सरकारी में पहुंचे थे, फिर वहाँ MY पहुंचे थे। MY से पक्षी मारे गए आपके जगह। आज क्या कहाँ आई थी आप, क्या हुआ आज? अरे थोड़ा सा बस, खाली थोड़ा सा मारे ने कहीं लिखी ना गई कि यहाँ सरकारी थोड़ा सा इलाज करे था कब फिर छोड़ दे। अरे अभी आप आई थी दीदी कलेक्टर साहब के पास, तो क्या हुआ? MG अस्पताल के पास में है सरकारी आयुर्वेदिक, बोले वहाँ पहुँचा देंगे बस। अच्छा, वहीं पहुँचाने का। नाम क्या है आपका? नाम क्या है? गिरजा कुमावर। अभी हंगामा क्यों हो रहा है ये सब? अभी क्या हंगामा? किसने आपको क्यों आई थी? इलाज के लिए आई तो बोले कि बाहर निकाल दो बस, कलेक्टर नहीं बोल रहा कि बाहर निकाल दो, बोले कि ऐसी परेशानी हो। क्या चाहती हो दीदी आप? मेरे गर्दन पकड़ ली पुलिस वाले ने। अब क्या चाहती हो दीदी आप? क्या चाहती हो आप? इलाज चाहिए मेरे को, मेरे पाँव पे खड़ा होना। ये पाँव इतना तकलीफ देता मेरा कि पूरी पूरी रात हो जाती है, मेरे को नींद तक नहीं आती आज। इलाज
एक महिला जन सुनवाई में आज अपने स्वास्थ्य के बारे में लेकर के शिकायत लेकर के आई थी। आज से 4-5 साल पहले डिलीवरी का केस हुआ था, उस टाइम इसको पैराप्लीजिया हो गया था जो एक न्यूरोलॉजिकल डिसीज होती है। इसके लिए यहाँ के डॉक्टर्स ने जब देखा उसके पश्चात उसको MY न्यूरोसर्जन के पास भेजा है, वहाँ पर इसका इलाज किया गया है और उनकी दवाइयाँ दी गई हैं। चूँकि ये पैराप्लीजिया है, इसमें न्यूरोलॉजिकल जो डिफिसिट होता है स्लो रिकवरी होती है, लंबे समय तक ट्रीटमेंट लेना रहता है। इस तरह से ही आज वो यहाँ पर आई थी अपने इस चीज़ के लिए, तो हमारे द्वारा अभी उसको MG अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ये कहा गया है कि आपके लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट को हम रखते हैं जो आपकी फिजियोथेरेपी करेगा, निःशुल्क इलाज होगा, इनको खाना निःशुल्क मिलेगा वहाँ पर, और हम कोशिश करेंगे एक महिला केयर टेकर को भी इनके पास में रख दें जिससे कि इनकी जो साफ़ सफाई वाला पार्ट है वो भी इनकी मदद करे। सर एक इसमें अहम बात निकल के सामने आ रही कि जब डिलीवरी का वक्त था तो जो एनेस्थीसिया दिया गया था, इंजेक्ट किया गया था, उसकी वजह से उसका नीचे का हिस्सा पूरा अब ये इसमें जहाँ तक मुझे ऐसा है, मेरे संज्ञान में ये चीज़ अभी पूरी नहीं आई है, लेकिन पहले इस चीज़ में एक कलेक्टर साहब के निर्देश पर ही एक कमेटी बनाई गई थी, जांच दल बनाया गया था, उसके द्वारा एक जांच हुई है विधिवत। उसमें क्या कुछ कार्रवाई की गई है दोषियों के खिलाफ? नहीं, कोई इसमें दोषी, इसमें टेक्निकल कोई डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं पाई गई है, ना इसमें कोई दोषी पाया गया है। चूँकि ये मेडिकल साइंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, ऐसा हजारों लाखों में केसेस में होता है। अभी क्या कुछ हुआ सर, कहाँ भेजा गया युवती? इसको MG हॉस्पिटल में भेजा गया है जहाँ पर इसको केयर के लिए, फिजियोथेरेपी के लिए रखा जाएगा। इसकी जिम्मेदारी ली गई क्या सर अधिकारियों द्वारा इसके इलाज की? हाँ, इसको निःशुल्क इलाज मिलेगा, इसको निःशुल्क फिजियोथेरेपी होगी, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।